नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बड़ी खबर निकल के आ रही है अपर्णा यादव को लेकर के। उत्तर प्रदेश में जब से समाजवादी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया है तो समाजवादी पार्टी को छोड़कर जाने वाले नेता, चाहे अखिलेश यादव के खास हों, चाहे अखिलेश यादव को पसंद करते हों या ना पसंद करते हों, समाजवादी पार्टी में आना चाहते हैं। उसमें से नंबर एक नाम जो चल रहा है इस समय सुर्खियों में, अपर्णा यादव को लेकर के है। अपर्णा यादव कौन है आप सब लोग जानते होंगे। अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू हैं और छोटी बहू बीजेपी में और राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव अपनी पार्टी में। हमेशा इस बात की चर्चा होती रही है कि मुलायम सिंह यादव का जो परिवार है, समाजवादी पार्टी जो है, वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं। तो अब बड़ी खबरें जो निकल के आ रही हैं कि अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में आना चाहती हैं और इसके पीछे कारण क्या है मैं आपको बताने वाला हूं। आपकी जो भी राय हो, आए तो फायदा होगा समाजवादी पार्टी को, ना आए तो फायदा होगा समाजवादी पार्टी को, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। तो मैं आपको बड़ी खबर जो दे देता हूं, अपर्णा यादव के पीछे कारण है कि अपर्णा यादव लगातार भारतीय जनता पार्टी में उपेक्षित महसूस कर रही हैं। क्यों? क्योंकि जब 2022 का विधानसभा चुनाव शुरू हुआ था उसके जस्ट पहले अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करती हैं। ऐसा लग रहा था कि लखनऊ के किसी सीट से अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी टिकट दे सकती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अपर्णा यादव को विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया। उसके बाद 22 के चुनाव के बाद मेयर का चुनाव होता है, जैसे नगरपालिकाओं का चुनाव होता है, उसमें भी लग रहा था कि खबरें चल रही थी अपर्णा यादव को टिकट मिल सकता है भारतीय जनता पार्टी से लखनऊ में, लेकिन तब भी अपर्णा यादव का हाथ खाली रहा, कोई टिकट नहीं मिला इनको। उसके बाद लोकसभा का चुनाव आता है तो चर्चाएं चली, मैनपुरी से लड़ाया जा सकता है, आजमगढ़ से भी लड़ाया जा सकता है, चर्चाएं तो कन्नौज से भी चली, लेकिन अपर्णा यादव का हाथ फिर खाली रहा। यानी कि लगातार 3-4 चुनाव बीतने के बाद भी अपर्णा यादव के हाथ में कुछ नहीं आया। तो अपर्णा यादव नेता हैं, राजनीतिक परिवार से हैं, तो उनको भाई पद चाहिए। चुनाव MLC का भी हो रहा था, वहाँ पर भी चर्चाएँ चल रही थी, लेकिन अब तो चुनाव उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है और क्या योगी जी अपर्णा यादव को टिकट देंगे? बीजेपी टिकट देगी तो देगी कहां से बीजेपी टिकट? जहां से बीजेपी चुनाव हार रही है वहां से बीजेपी टिकट देगी, जीतने वाली सीट से बीजेपी टिकट नहीं देगी। हार कहां से रही है? उपचुनाव होगा करहल में, बीजेपी लगातार चुनाव वहां पर हार रही है भारी अंतरों से, तो बीजेपी इनको कहां से प्रत्याशी बना सकती है? अगर देगी तो करहल से। तो आप सबको पता है करहल का राजनीतिक समीकरण, मैं आपको आगे दिखा रहा हूं। करहल से चुनाव जीतना आसान नहीं है, नामुमकिन है। किसके लिए? बीजेपी के लिए चुनाव जीतना नामुमकिन है। तो अपर्णा यादव की कोशिश है अखिलेश भैया को मनाया जाए और करहल की सीट ली जाए। करहल की सीट का आंकड़ा मैं आपको बताता हूं और अपर्णा यादव की जो वापसी को लेकर खबरें हैं उस पर आपकी जो भी राय हो आप कमेंट करिएगा। अगर हम चलते हैं तो अपर्णा यादव प्रतीक यादव की पत्नी हैं, अखिलेश यादव के सौतेले भाई हैं, तो आप समझ सकते हैं। और इनका जो है कारोबार राजनीतिक कारोबार नहीं है, इनकी दिलचस्पी राजनीति में नहीं है। बॉडी बिल्डर बॉडी बनाने का काम करते हैं, महंगी कारों महंगी आलीशान बंगलों के शौकीन हैं और इनका जिम लखनऊ का सबसे महंगा जिम है, इनकी लाइफ स्टाइल सबसे अलग है, इन्हीं की पत्नी है। तो अगर हम बात करते हैं, शिवपाल सिंह यादव के साथ लगातार मुलाकातें होती रहती हैं अपर्णा यादव की। एक समय ऐसा था जब शिवपाल सिंह यादव भी समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे थे, कहीं ना कहीं बीजेपी के पाले में तो थे लेकिन बीजेपी में शामिल नहीं हुए थे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई थी, कोई सफलता नहीं मिली, बाद में विलय करना पड़ा। एक कहावत कही जाती है, लास्ट में अपना घर ही काम आता है। तो अखिलेश यादव
ने 22 के चुनाव में इनको अपने साथ मिलाया, उसके बाद इन्होंने अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी में मिला दी, इनके बेटे को टिकट दिया, बदायूं से सांसद बन गए इनके बेटे। और मुलायम सिंह यादव के जो परिवार की बातें हैं मैं आपको आंकड़ा भी दिखा रहा हूं। मुलायम सिंह यादव की पहली पत्नी मालती देवी के बेटे हैं अखिलेश यादव, और साधना यादव दूसरी पत्नी हैं। तो इनकी ये कहीं ना कहीं सौतेले भाई कहे जाएंगे, टेक्निकल तौर पर तो भाई हैं लेकिन सौतेले भाई हैं, आप समझ सकते हैं। और वहीं पर अगर हम बात करें करहल का सियासी समीकरण क्या कहता है, जब अखिलेश यादव चुनाव लड़े 2022 के चुनाव में, तो बीजेपी ने अपने सबसे मजबूत प्रत्याशी को टिकट दिया। बीजेपी का प्रत्याशी 67,504 वोटों से चुनाव हार गया, समाजवादी पार्टी को 148,196 वोट, और एसपी सिंह बघेल जो केंद्रीय मंत्री थे, वर्तमान में भी केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, आगरा के सांसद हैं, और 80,692 वोट मिला। बहुजन समाज पार्टी 3 नंबर पर रही। विधानसभा चुनाव का ये आंकड़ा है। अगर यहाँ के जातीय समीकरण की हम बात करें तो जातीय समीकरण सर्वाधिक यादव हैं। क्या यादव कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से लड़ाया जाएगा तो क्या यादव बीजेपी को वोट देंगे, क्या यादव बीजेपी को वोट देंगे? शाक्य 35,000 हैं, बघेल 30,000 हैं, क्षत्रिय 30,000 हैं, दलित 22,000, मुस्लिम 18,000, ब्राह्मण 16,000 और लोधी 15,000। एक मोटा मोटा आंकड़ा है, इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन भी देखने को आपको मिल सकता है। अगर हम बात करें 2024 का लोकसभा चुनाव, बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं सुब्रत पाठक ताल ठोक रहे थे बार बार, आइए अखिलेश यादव लड़िए, तुमको हरा कर भेजेंगे। लेकिन जब अखिलेश यादव ने लास्ट में निर्णय लिया तो सुब्रत पाठक को बहुत बुरी हार झेलनी पड़ी। और चौंकाने वाला आंकड़ा ये रहा कि 5 विधानसभा सीटें कन्नौज विधानसभा लोकसभा में हैं, 5 की 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का प्रत्याशी बहुत पीछे रहा। तो देख सकते हैं समाजवादी पार्टी को 170,922 वोटों से चुनावी यहाँ पर जीत मिलती है, तो आप समझ सकते हैं। और वहीं पर बहुजन समाज पार्टी 81,639 वोट, समाजवादी पार्टी का वोट आपके सामने है। अगर हम बात करें जातीय समीकरण का परसेंटेज के हिसाब से, 55% ओबीसी वर्ग के मतदाता हैं, 20% सवर्ण अनुसूचित जाति के, 20% मुस्लिम, केवल यहां पर 5% है। जो यादव और मुस्लिम की पार्टी कही जाती है समाजवादी पार्टी, इस सीट पर मुसलमानों की संख्या 5% है। तो कहने का मतलब 60% कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी के पाले में वोट जा सकता है, और गया भी है, और आपने देखा भी है, और आपको मैंने अभी आंकड़ा भी बताया है, आप देख लीजिए, लगभग 60% वोट समाजवादी पार्टी को यहाँ मिलता है, वही एग्जैक्ट 60% ओबीसी मतदाता और 60% ओबीसी मुस्लिम मतदाता और 60% वोट समाजवादी पार्टी का। लेकिन समाजवादी पार्टी यहाँ पर विधायक, पूर्व विधायक सुवर्ण सिंह यादव को टिकट दे सकती है, इनके नाम की भी चर्चा है, और तेज प्रताप यादव के नाम की चर्चा सबसे ज़्यादा है। वहीं पर अगर यादव को टिकट नहीं देगी, क्योंकि शाक के मतदाता भी बहुत अच्छी खासी संख्या में हैं, तो नवल किशोर शाक के जो फर्रुखाबाद से चुनाव हारे हैं उनको भी समाजवादी पार्टी टिकट दे सकती है। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय संविधान।